say how they want you to take the next 10 steps of your day. Yeah. Some people wanna tell you what they want you to do. ऑलराइट दोस्तों, तो कुछ समय के बाद मैं नीचे आ चुकी हूँ एंड अब हम थोड़ी सी क्विक क्लीनिंग करेंगे क्योंकि हम बाहर शॉपिंग करने के लिए जाना चाहते हैं। हस्बैंड के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ मैं। सो हस्बैंड गए हैं तैयार होने के लिए एंड उतने समय में मैंने किचन क्लीन कर ली है। सो मुझे लगता है थोड़ा सा और समय लगेगा तो मैं चाय भी पी लेती हूँ जल्दी से। और हिम्मत अपनी तरह तरह के इन्वेंशन कर रहा है। आई डोंट नो कौन सी विच इन्वेंशन इज द प्लग इन्वेंशन। सो इफ यू a kid who draws on walls next to this, so you could do this and then you could draw but not on the walls. Yeah, not like Gigi, but in the paper. Very good invention, cute son. And even there's a double paper if you want this to use. जो चीज़ें भी हम खरीदना चाहते थे वो हमें मिली नहीं है, बट मैंने मेरे लिए स्किन केयर खरीदा है सफोरा से एंड ऑर्डिनरी से। और अब हिम्मत कर रहा है पेट पूजा एंड उसके बाद हम जाएंगे हडसन बे एंड देन आई थिंक वी आर डन। उसके बाद हम घर जाएंगे एंड हिम्मत को एक बहुत ही बैठे बैठे इन्वेंशन की याद आई है, कैसे कुछ इन्वेंट करना चाहता है तो वो उस पर काम करेगा। नो नॉट है स्नीक पीक राजन दा सारी इन्वेंशन ही बता देता है वो। सो नो स्नीक पीक ओके, बिकॉज योर स्नीक पीक इज एवरीथिंग। ओके दोस्तों, तो शॉपिंग मॉल के बाद हम लोगों ने हमारे लिए फूड लिया है पनीरा ब्रेड से। हमारे पास है पिज्जा, सूप एंड मफिन एंड कुकीज। सो हम दो, हमको भूख बहुत लगी है तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा पिज्जा खा लेते हैं। एंड आई ड्रिंक कोल्ड वाटर सो दिस विल चीयर मी अप। चीयर मी अप, हीट यू अप। है वो हीट मी अप हिम्मत। और हिम्मत का फेवरेट है ये पिज्जा। गाइस दिस इज एक्चुअली गुड, वांट सम हियर। यम यम यम। ओके सो सूप पीने वाले हैं हम 10 वेजिटेबल। दैट इज सेव द पिज्जा। गाइस सेव सम पिज्जा फॉर मी। सो कंफर्टिंग है ना आदरी ठंड में। ओके दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था कि हिम्मत की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो पति की तबीयत भी ख़राब हो गई है हिम्मत की वजह से, क्योंकि पति उसके बिना रहते नहीं है। हगी करेंगे, पुच्ची करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी गोना गो सम रियली रियली ए गुड एंड इंटरेस्टिंग व्हिच इज शॉपिंग मॉल। टू इंटरेस्टिंग स्पेशली व्हेन इट्स ग्रोसरी एंड कोरोनावायरस। ऑलराइट दोस्तों, तो आज बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा दिन है तो मैंने सोचा कि सूप पीते हैं और मूवी देख रहे हैं मैं और हिम्मत, कोई बच्चे वाली बहुत अच्छी सी। एंड सूप बनाया है मैंने मिनेस्ट्रोनी। सो यस, आज मैंने क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी। अगर आप बनाना चाहते हैं ये सूप, जल्दी से रेसिपी को देख ले एंड फिर आप घर पर बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है ये सूप। अगर आप ट्राई करेंगे ना तो मुझे ज़रूर बताना। एंड मुझे लगता है कि जब आप ट्राई करेंगे ना उसके बाद आपके घर में हर हफ्ते बनने वाला है एक बार। सूप बनाने के लिए आप कोई से भी सब्जियां यूज़ करें जो भी आपकी फ्रिज में अवेलेबल हैं। मैं फ्रोज़न वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ जो जिसमें है कॉर्न्स, पीज़ हैं, गाजर है एंड बीन्स भी हैं। जुकीनी भी मुझे सूप में काफ़ी अच्छी लगती है तो उसे भी ऐड कर लेंगे। आलू मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छे लगते हैं तो वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। एंड सूप को तड़का लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी अनियन एंड गार्लिक, इसे अच्छी तरह चॉप कर लें। Now I'm starting to think it doesn't have to be this way. I don't have to wash the way the pain with liquid courage,
lick, lick the courage. I lick the scared. एंड इसमें हम यूज़ करेंगे कैंड टमेटोज, चॉप्ड कर सकते हैं या प्यूरे कर सकते हैं. और ऑल्सो कुछ फ्लेवर के लिए मैं ये कॉस्को की मैरिनेरा सॉस भी ऐड करती हूँ. विक्टोरिया ब्रांड है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे. एंड पास्ता भी मुझे इसमें ऐड करना अच्छा लगता है. आप मैक्रोनी ऐड कर सकते हैं, पर आज मैंने शेल्स को बॉयल किया है इस सूप में ऐड करने के लिए. सो पैन लेंगे, पैन में ऑयल डाल लेंगे, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे पहले मैं गार्लिक को डाल के थोड़ा सा कुक कर लूँगी. हम ओवर कुक नहीं करेंगे, थोड़ा जब कलर आता है तभी हम अनियन को ऐड कर देंगे. अब अनियन को भी थोड़ा ट्रांसलूसेंट ही करेंगे, ज़्यादा कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं है. वंस ये चीज़ें कुक हो चुकी हैं तो मैंने वो कैंड टमेटोज को एंड मैरिनेरा सॉस को एक साथ ही ब्लेंड कर लिया है साइड पर. अब हम इस पैन में सारी फ्रोज़न सब्जियां ऐड कर देंगे, आलू ऐड कर देंगे, बट जुकीनी को हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है. सो वंस मेरी ये सब्जियां थोड़ा सा मिक्स हो गई हैं तड़के के साथ, इसको मैं सीजनिंग कर दूंगी सॉल्ट एंड पेपर एंड थोड़ी सी रेड चिली. और उसके बाद राइट अवे हम ये टमेटो का मिक्स इसमें ऐड कर देंगे. इसको थोड़ा कुक करेंगे, जब बॉयल आना शुरू होता है तो आप अपनी मनपसंद क्वांटिटी का आप पानी डालें, आपको कितना पतला चाहिए सूप. हमें काफ़ी पतला सूप अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही लाइट एंड मज़ेदार लगता है, स्पेशली विंटर्स में. तो मैं खूब सारा पानी इसमें ऐड कर दूंगी एंड इसे बॉईल कर लेंगे. दो तीन बॉईल आएंगे या फिर जब तक आलू गल नहीं जाते. और जब आपके आलू एक बार कुक हो गए ना तो फिर आप इसमें जुकीनी ऐड कर दी, क्योंकि जुकीनी तो राइट अवे ही हो जाएगी. और इसमें मुझे ये बीन्स भी ऐड करना अच्छा लगता है, तो इस पॉइंट पर मैं ये ब्लैक डार्क स्मॉल बीन्स ऐड कर रही हूँ और कुछ ये शेल वाला पास्ता. एंड इसको थोड़ा और बॉयल आने देंगे क्योंकि जुकीनी को मैं थोड़ा कच्चा ही रखूँगी. और अब ये सूप खाने के लिए बिल्कुल रेडी है. इसे हम सर्व करेंगे ब्रेड के साथ. ब्रेड को आप टोस्ट कर सकते हैं. मुझे ये होल व्हीट सैंडविच इस किस्म की ब्रेड इसके साथ काफ़ी अच्छी लगती है. एंड ये सूप काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस बनता है. इसे आप सर्व करें, गार्निश करें पेपर के साथ, एंड आप इसमें पारमेसन चीज़ भी ऐड कर सकते हैं. तो ये बिल्कुल मिमिक करेगा ऑलिव गार्डन के मिनेस्ट्रोनी सूप को. सो अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर से बताना कि ये कैसा बना. Thank you. And guys, this movie have this thing called You Are So Beautiful. इस मूवी में ये गाना है. The pressure it makes a diamond so rare. So rare, so rare. I'll never ever get a chance to go back in time. ठंडे दिन का बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट फूड है. आज मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. एक्चुअली जब हिम्मत सिक हुआ ना, वो उनको बहुत डर लगता है कि वो भी सिक हो जाएंगे. डर डर के वो अट्रैक्ट कर लेते हैं सिकनेस अपनी ज़िंदगी में. और अब उनका सोर थ्रोट है थोड़ा वैसे, बाकी और कुछ नहीं है. पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं. तो अपने रूम में वो उनको मैं देख के आई हूँ सूप, ताकि उन्हें थोड़ा रिलीफ मिले. एंड यहाँ पे मैं और हिम्मत ने सोचा कि आज सोफे पे बैठ के खा लें हैं एंड मूवी देखते हैं. परफेक्ट इवनिंग, राइट मिमी? सूप में ना आज मैंने शेल वाला पास्ता डाला. यूजली मैं मैक्रोनी डालती हूँ, पर आज मैंने रियल रेसिपी को फॉलो किया है. Delicious vegetarian minestrone soup, homemade. What do you want to say? Mama, why do I never eat a hot dog? I don't know.